हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विथ वर्टेक्स ए बी एंड सी इज 6 स्क्वायर यूनिट। एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, उसका वर्टेक्स दिया हुआ है ए बी और सी। ए दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, बी दिया हुआ 1.2 और सी दिया हुआ है 2.1। और इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 6 स्क्वायर यूनिट। प्रूव करके दिखाना है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 और एक्स प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 6, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को लिख लेते हैं कि कौन है एक्स वन। तो यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और वाई वन वाई टू वाई थ्री। ठीक है, तो एक्स वन ये हो गया, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन और टू, वाई वन वाई टू वाई थ्री हो जाएगा। ये हो गया वाई वन वाई टू वाई थ्री। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स वन के प्लेस पे आ गया एक्स, एक्स टू के प्लेस पे आ गया वन और x3 के प्लेस पे आ गया 2, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, 2 माइनस 1 प्लस y3 माइनस y1, 1 माइनस y, और यहाँ लिखना है y1 माइनस y2, तो y माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है 6 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के प्लेस पे हम लिख देंगे 6। ठीक है, तो 6 इक्वल टू 1 बाई 2, 2 माइनस 1 हो गया 1, तो x इंटू 1 ये सिर्फ x हो जाएगा, प्लस वन इंटू वन माइनस वाई, तो प्लस वन माइनस वाई आ गया और प्लस टू वाई माइनस फोर। तो टू इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 12 इक्वल टू मॉड के अंदर एक्स माइनस वाई प्लस टू वाई, तो ये प्लस वाई बन गया और वन माइनस फोर ये बन जाएगा माइनस थ्री। तो ये आ गया मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू 12। ठीक है, तो मॉड ऑफ कुछ भी होता है, मॉड ऑफ x इक्वल टू a, तो हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू और मॉड का साइन हटाते हैं, तो x इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस a, दो पॉसिबिलिटीज होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ये क्लास 11 में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू 12, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई माइनस थ्री, इस मॉड के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू 12 और x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू माइनस 12। तो ये माइनस थ्री उधर चला जाएगा, तो 12 प्लस थ्री, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 हो गया, और माइनस थ्री को उधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 12 प्लस थ्री, ये आ गया माइनस 9। लेकिन जो प्रूफ करके लाना है उसमें 9 को इधर लिखा हुआ है, तो हम 9 को उठा के इधर ले आएंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक तो ये पार्ट आ गया जो प्रूव करना था, और ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15, तो बस यही प्रूव करना था हमें इस क्वेश्चन में। ये प्रूव हो गया, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो इसे लाइक कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।